अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस डिजिटल डिस्प्ले वर्नियर क्लिपर की अनबॉक्सिंग, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया इसका रिव्यू और इसका टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फ़ील हो रहा है। और ये जो है हमारा डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और इसमें बैटरी इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ये स्लाइडर मिलता है, यहीं से हम इसकी बैटरी को रिमूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि। और इसी के अंदर एक छोटा वाला सेल जो होता है, हमारे अक्सर जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं, हमारी हैंड वॉच, रिस्ट वॉच, उसी के अंदर ये डले हुए होते हैं। ये आपको ईजिली स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाएगा, लेकिन इनबिल्ट इसके अंदर ये सेल नहीं आया था। और आपको मैं ये बता दूँ, ये जो वर्नियर क्लिपर है ये मैंने दराज से बाय किया है, बहुत ही चीप प्राइसेस में, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट करना ना भूलिएगा। तो कुछ डीसी मोटर की हम शाफ्ट को मेज़रमेंट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास हाई आरपीएम वाली 365 डीसी मोटर है, इसकी हम शाफ्ट को इससे मेज़रमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके शाफ्ट को ये दिखा रहा है कि 2.2 mm, तो 1 mm और 1.5 mm की थोड़ी सी एक्यूरेसी का इशू होता है इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत बंदे को माइंड में रखना होता है। जैसे कि ये 2 mm है तो ये 1.9 दिखा रहा है। और ये मेरे पास एक गियर मोटर पड़ी हुई है, इसके लिए हम शाफ्ट को मेज़रमेंट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ये 6 mm की शाफ्ट है, तो अभी इसने दिखा दी 6 mm, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का इशू होता है, तो इतना तो थोड़ा बहुत चलता है। और ये बहुत ही चीप प्राइस में मैंने बाय किया, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट ज़रूर करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।